ने ऐसा कि सब रंग में सरोवर नजर आ रहे हैं। ये देखिए गुलाल अभी होली अभी दिख रही है, कहा यह जाए कि दिवाली मनाएंगे। 11 तारीख को जो दिवाली होगी वो स्पेशल दिवाली रहेगी सभी की, सभी राजनीतिक हस्तियों की, लेकिन यहाँ पर गुलाल रंग और कहीं ना कहीं होली आप लोगों की अभी दिख रही है। देखिए 15 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन, भ्रष्टाचार और जन विरोधी नीतियां थे, उसके खिलाफ जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय राहुल गांधी जी के कुशल मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में एक संघर्ष किया, बल्कि एक संघर्ष के ऐसे आप तपस्या भी बोल सकते हैं, जो आम जनता के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीतियों के साथ और एक पूरे जोश के साथ जनता के लिए किया है, आज उसके परिणाम है कि जो इस तरह की बंपर जीत इस प्रदेश में कांग्रेस को मिली है, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत और राहुल गांधी जी के सक्षम नेतृत्व है। और आगे हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि जो राहुल जी ने जनहितकारी घोषणाएं की है अपने घोषणा पत्र में, उसे वचन समझकर हम आम जनता के लिए काम करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे। कुल मिलाकर जो घोषणा रही हो काफी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि किसानों का कर्ज माफ, बिजली आप, मुझे लग रहा है ये लाइन लोगों के जहन में काफी बस गया। देखिए जो वादा किया था रमन सिंह ने इस बार कि अगर केंद्र में सरकार आ गई भाजपा की तो 21 समर्थन मूल्य करेंगे, उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद में इन्होंने युवाओं को छला है ना, शराब बांटा, मोबाइल बांटी, उसका कोई मतलब नहीं पड़ा। और हमने जो नारा दिया था कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और दारू पट्टी साफ, इसका नारा जो है आम जनता के बीच पहुंचा है और जनता ने इसे हाथों हाथ लिया है और इस लहर में भारतीय जनता पार्टी को नेस्ता नाबूद कर दिया। समीक्षा के तौर पर हमारे साथ में यहाँ पे डीके शर्मा जी मौजूद है। डीके जी, अगर इस कांग्रेस जीत के प्रमुख वजह को टटोला जाए तो आप क्या मानते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से जनाधार की विजय हुई है, मतदाताओं की विजय हुई, उनकी भावनाओं की विजय हुई है और अब जनता जो है बहुत ही प्रैक्टिकल हो गई है। अब कांग्रेस के लिए लेकिन आगे बहुत बड़ी चुनौती है, जो इनके मैनिफेस्टो में है उसको उनको लेके करना पड़ेगा और उसको पूरी तरह से उस घोषणा पत्र को उनको लागू करना पड़ेगा। इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी और जनाधार की विजय हुई है यहाँ पे। अमित हमारे साथ में मौजूद है, युवा है, युवा जोश के साथ उन्होंने भी इस चुनाव को काफी नजदीक से देखा, क्या मानते हैं इस जीत के पीछे की मुख्य वजह क्या? युवा मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया भैया? कई लाखों मतदाता जो युवा मतदाता थे वो आज भी बेरोजगारी के कगार पे घूम रहे थे। शासन ने पिछले बार भी वादा किया था छत्तीसगढ़ सरकार ने कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, वो रोजगार बेरोजगारों को नहीं मिल पाया है। तो इस वजह से भी युवाओं का जो रुझान है, नई सरकार परिवर्तन की लहर थी तो सारे युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और कांग्रेस को जनादेश दिया है। तो कांग्रेस को जनादेश यहाँ पे मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी रुझान और जीत के जो तमाम डेटा जब आएंगे तब तस्वीर साफ होगी, लेकिन रुझानों में तो कांग्रेस सरकार बनती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और हम शुरू से आश्वस्त है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में लाएगी, क्योंकि जो किसान जैसे त्रस्त थे, युवा त्रस्त थे, महिलाएं त्रस्त थी और हमने जो नारा दिया था कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और दारू बट्टू साहब, ये लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया है और भारतीय जनता पार्टी तो गयो। ठीक है, आप तो चेहरे पर पूरे गुलाल नजर आ रहा है, क्या मुख्य वजह मानते हैं कांग्रेस की? कांग्रेस के मुख्यमंत्री नीबो शर्मा भैया 14 साल 14 साल बनवास राम जी गए थे, हम 16 साल बनवास काट के आए हैं। इन लोगों ने रमन राज यानी रावण राज टच पे हो गया था। रावण राज मतलब यह हो गया कि जो भी होगा उसका फैक्टर मैं नहीं मान रहा था कि इन लोगों ने अतीक चालू कर दिए थे कि आज इसका नतीजा इनको भगवान ने दिखा दिया। हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है, कुछ आप कह रहे हैं कुछ शब्द जो महिलाओं के लिए, क्योंकि इस बार महिलाओं ने भी अपने मन में कुछ ठान रखा था। हाँ जी सर, जो बहुत ज्यादा जो अपना बढ़ गया था ना अपना महंगाई, उसको अब हम सोच रहे बहुत अच्छा दिन आने वाला है और बहुत ही अच्छा दिन आएगा। अच्छे दिन का नारा तो यहाँ पे बीजेपी का है? नहीं, वो तो था लेकिन अब कांग्रेस का हो गया ना, तो आप बोलेंगे बहुत अच्छा दिन आने वाला है सर। कुल मिलाकर अच्छे दिन की यहाँ पे आज यहाँ की जनता को है, क्योंकि अच्छा दिन को समझेंगे हम आपके नजरिए से, क्या मानती है जो ये जनादेश है, इस जनादेश को आप किस तरह से देखते हैं? जनादेश को सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं ने पहचाना, जनता ने जाना कि रमन और मोदी दोनों ने महिला कांग्रेस और हम लोगों ने जो संघर्ष किया है उसका हम लोग को फायदा मिला है। और उसके अलावा रमन सरकार ने जो यहाँ पर तबाही मचाई थी, महिलाओं के ऊपर जो शोषण हो रहे थे, युवा बेरोजगार थे, आज हमारी कांग्रेस आई है तो हम सब गरीबों की सेवा भी करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इस कांग्रेस जीत के पीछे की मुख्य वजह क्या मानते हैं? वो रमन सरकार ने जो सिर्फ दारू बांटा था और अपने आप को चावल वाला बाबा बोलता था और कई कारखाने बंद करवाए, उसके कारण हमको ये मालूम है। आप क्या मानती? मैं ये मानती हूँ उन्होंने क्या बेरोजगारी बढ़ा दी थी। चलो, बेरोजगारी बढ़े, किसी को नौकरी, महिलाओं के मुद्दों को, क्योंकि आप खुद एक महिला है, महिलाओं के मुद्दों को आप किस तरह से देखती हैं?
जो महिलाओं के मुद्दे यहाँ पे थे छत्तीसगढ़ में? महिलाओं के तो बहुत से मुद्दे हैं भैया, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है महिलाएं यहाँ पे, क्योंकि आज साल पिछले 15 सालों से देखिए आप कितने कांड हुए हैं, बच्चियों पर हो रहे हैं, महिलाओं पर हो रहे हैं, बहुत ही असुरक्षित है। इसलिए आज हम बहुत खुश हैं। तो आपके चेहरे पर झलक भी रही है और गुलाल भी दिख रहा है। हाँ जी, हम लोग बहुत खुशी मना रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारी कांग्रेस आई है 14 साल के वनवास के बाद, उसके बाद में हमारी कांग्रेस आई है। तो हम सबसे ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे। जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ अनाचार होता था, आज कम से कम कांग्रेस की सरकार आएगी तो कुछ न कुछ उसमें बैन लगेगी और गरीबों का भला होगा, महिलाओं का शोषण नहीं होगा और उसके अलावा युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब पकौड़े बेचने का टाइम नहीं है उनका, अब पढ़ाई लिखाई करके अफसर बनेंगे बच्चे। लेकिन जो वादा किया गया कांग्रेस की तरफ से, कर्ज माफ, बिजली आप, युवाओं को रोजगार देंगी, बेरोजगारी भत्ता, ये जो मांग है क्या लगता है किस तरह से कांग्रेस पूरा करेगी? ये हमारे राहुल जी ने अभी जो सभा ली थी उनमें ये बात बोली थी कि कर्जा माफ और बिजली बिल हाफ, और रियली में ये होगा, कुछ समय लगेगा पर होगा। 10 दिन का मोहलत है, 10 दिन दिया गया, 10 दिन के अंदर 10 दिन। हाँ जी, सरकार बैठ जाएगी अच्छे से और उसके बाद मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे, उसके बाद कौन हो सकता है मुख्यमंत्री? आपने मुख्यमंत्री, ये हमारे सब बड़े नेता आपस में। अभी आपकी पसंद क्या है? हमारी पसंद तो जो बनेगा। जनता की पसंद है भूपेश बघेल जी, हमारी पसंद वो जो बनेगा हम उसके। तो ठीक है, यहाँ कई क्या कहता खुल के नहीं बोला, लेकिन शर्मा जी अगर देखा जाए एक नेतृत्व जो भूपेश बघेल ने दी है, शायद उस नेतृत्व में यहाँ पे वो जीत यहाँ पे भूपेश बघेल के नेतृत्व में मिले यहाँ। बिल्कुल सही बात है। देखिए, भूपेश बघेल जी ने बहुत संघर्ष किया और उन्होंने बहुत ही अच्छा नेतृत्व निभाया, उन्होंने बहुत सारे जो बीजेपी सरकार में घोटाले हुए उसको उजागर किया उन्होंने, और उनकी जो क्षमता रही है उस क्षमता को जनता ने बिल्कुल और कार्यकर्ताओं ने काफी सराहना भी की, और क्योंकि उनका जो नेतृत्व रहा बहुत ही स्ट्रांग था और उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, और उसके बाद उन्होंने एक जो घोषणा किया वो बेरोजगारों के लिए, जो युवाओं हैं उनके लिए किया, और इसको उनको अभी यहाँ पे जितने भी अपराध है उनकी वो घोषणा थी कि हम ये सारे अपराध हैं उसको भी कम करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, जितने उद्योग बंद पड़े हुए हैं उस उद्योग को भी हम चालू करेंगे, तो इससे क्या होगा जो पलायन की स्थिति बनी हुई है छत्तीसगढ़ से वो पलायन भी कम होगा। आपको क्या सबसे खास बात लगी इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में सबसे खास बात ये लगी कि बीजेपी जिस तरीके से 65+ का नारा दे रही थी कि हम 15 सालों में जो कार्य किए हैं, और उनका जो क्या नाम है ये 65+ का जो नारा रहा, आज क्या नाम है जनता ने अपना जनादेश कांग्रेस के पक्ष में देकर ये बता दिया कि आपका यहाँ कुशासन और दमन का ये कार्य यहाँ पर नहीं चलेगा छत्तीसगढ़। और कुछ जो मुद्दे थे वो काफी अहम मुद्दे थे इस बार के चुनाव में, कुछ मुद्दे जो यहाँ पे जनता से सीधे सीधे रूबरू हो रहे थे वो तमाम मुद्दे? सबसे पहले तो नोटबंदी, जो GST लगाई उसके कारण पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान हुई, वो बोलते थे कि हम GST के कारण की सब्जी वाली को भी बोलेंगे कि पर्ची काटो, तो बेचारी वो क्या जानेगी सब्जी वाली। इसके लिए GST के कारण सबसे ज्यादा परेशानी हुई है, और नोटबंदी अभी तो ये सूचना मिली कि 2000 के नोट भी बंद करेगा, अब खुद ही बंद हो गया मोदी, ये तो और अच्छी बात है। सेंटर का इलेक्शन बाकी है, मुझे लगता है कि नोटबंदी और GST क्या रहा है इस बार का खास मुद्दा, वो रिजल्ट सामने में दिख रहे हैं आप लोगों को, उस मुद्दे का ही रिजल्ट है कि आज कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना चुकी है, आने वाले हैं बना चुकी है सर बना चुकी है। आप देखिए, हम लगातार ही रुझानों के साथ ही लगातार बढ़त में रहे हैं, और जनता में आपको खुशी की लहर दिख रही है। जनता यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता और कार्यकर्ताओं की लड़ाई थी ये, और जनता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई है। कांग्रेस की जो बढ़त है निश्चित तौर पर उसमें कार्यकर्ताओं का भी उत्साह है, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? मैं धरजीवा जो विधानसभा के बारे में बोलना चाहूंगा, 15 साल से हमारा विधायक था देवजी भाई पटेल, वो खाली सभी प्रांतों से पैसा लेने का काम किया है, आज तक किसी छत्तीसगढ़ियों को रोजगार नहीं दिया है, ओवरऑल अपने जेब भरने का काम किया है, इसीलिए हमारे संपूर्ण धरजीवा विधानसभा क्षेत्र से परिवर्तन का लहर था, इसीलिए हम लोग अनिता भाभी के साथ दिए हैं, साथ रहा तमाम लोगों के साथ रहा। क्या मानते हैं इस बार चुनाव में क्या खास बात रही
जो जनता से सीधे सीधे कांग्रेस से उनके दिल को छूती नजर। देखिए किसानों का कर्ज माफी का जो मुद्दा है, उसके बाद जो महिलाओं को जो सम्मान देने की बात की है, रोजगार देने का मामला है, बोनस देने का मामला है, ये सब मामले जो है आज समझता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता ने इसलिए पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार को बनाया है और बीजेपी को बता दिया है कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के साथ है। तो छत्तीसगढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया है, इस जनादेश को अगर समझा जाए, क्योंकि आप खुद युवा है, मोबाइल का युग है, सोशल नेटवर्क पर तमाम बातें कही जा रही थी, और जिस तरह से जो एक तरह से कांग्रेस ने जो नारा दिया बेरोजगारों को लेकर, मुझे लगता है कि युवा मतदाता बहुत अधिक थे और शायद युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस बार के मतदान। जी हाँ, रोजगार के मामले में युवा बहुत परेशान थे और छत्तीसगढ़ में वो मोदी की जो योजनाएं थी उससे क्या कई बेरोजगार पैदा हो रहे थे, और वो क्या सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को पकौड़ा भेजो, पान ठेला चालू करो, इस टाइप के जन विरोधी घोषणाएं करते थे, सिर्फ घोषणा करे और कुछ नहीं करे। तो निश्चित रूप से कि किसानों की वो जो कर्ज माफी था, किसानों की कर्ज माफी मुझे लगता है कि एक बार ये सुरों का पत्ता साबित हुआ कांग्रेस की। हाँ निश्चित ही कहीं ना कहीं ये किसानों की जीत है, शिक्षा कर्मियों की जीत है, युवाओं की जीत है जो लगातार बेरोजगार है और लगातार जो जनता को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, निश्चित ही जनता की जीत है। जनता की जीत और शायद जनता के इस जनादेश में बहुत सारी चीज तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर